Assalamu alaikum, good morning, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and alhamdulillah, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं. तो जी यहाँ बन रहा था नाश्ता और बच्चों को दिए थे फ्रेंच टोस्ट, लेकिन मेरा आज मूड सिर्फ और सिर्फ चाय पराठे का था. इसकी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी तो मैंने जो है वो सिर्फ चाय पराठा ही खाया. आई डोंट नो कितने लोगों को ये पसंद होगा, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है. तो आज बना रही हूँ माश की दाल, इसे उड़द की दाल भी कहते हैं, और ये इतने मज़े की बनती है, मुझसे तो बहुत मज़े की बनती है. तो मैंने इसको बनाना है ढाबा स्टाइल में, और मुझे बस आज दाल खाने का ही मन था तो मैंने कहा आज माश की दाल बनाते हैं. मूंग मसूर की तो अक्सर बनाते ही रहते हैं, लेकिन बहुत दिन हुए मैंने माश की दाल नहीं बनाई. तो साथ साथ मैंने फिर रिफ़िल भी कर ली क्योंकि बहुत थोड़ी सी थी. और यहाँ पर मैंने हल्दी डाल के उबालने के लिए रख दी माश की दाल. इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल प्लैनेट क्रेविंग पर मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं. सो प्लीज़ आप इंजॉय करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्लैनेट क्रेविंग. गाइस, मैं निकली हूँ आज अपनी डेली वॉक पर, जो मैंने जो अपना एक महीने का वॉक का टारगेट बनाया है, एटलीस्ट 2 माइल मैंने चलना है. और कितनी कैलोरीज बर्न होंगी ये भी अपडेट करती रहूँगी. और ये है पार्क, तो इतना खूबसूरत लग रहा है ना. ये पीछे पूरी लेक है. शदीद ठंड है, हाथ जो है ना ये देखें पूरे जम रहे. जेब में तो ठीक है, और सबसे मज़े की बात ये हुई कि मैं इतना दूर चली गई और फिर मुझे सेंटर में जाकर याद आया कि लो मैंने तो घड़ी ऑन ही नहीं की. तो फिर मैंने यहाँ पर जो है वो घड़ी ऑन की, बट इट्स ओके. फिर भी मुझे याद था कि मैं 1 माइल जो है वो कम से कम चली होंगी. तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें. और मैं इतनी मेहनत करके बस अब घर वापस आ गई पसीनों पसीनों, तो मैंने बोला ये रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मेरे पास ये मुझे याद भी रहे. और यहाँ पर बच्चों को खुश करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि मैं उनको फ़्राइज़ बना के दे दूँ, तो बच्चे जो है मेरे वो खुश हो जाते हैं फ़्राइज़ खा के. और मुझे फिर आज थोड़ी सी लॉन्ड्री भी करनी थी तो मैंने जो है बच्चों को फ़्राइज़ दिए. और बच्चे घर पे खेल रहे थे और मुझे याद आया कि मुझे तो कुछ पेपर्स जो थे वो आज लाजमी सेंड करने थे पाकिस्तान. तो मैं आ गई पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर अच्छी खासी लंबी लाइन थी. तो दिन जो था यहाँ पर आज काफ़ी मेरा ज़ाया हुआ, बट काम जो था वो करना लाजमी था. तो शुक्र है कि काम मेरा हो गया
और वापसी पर मुझे फिर फ्रूट्स नज़र आ गए बहुत अच्छे और ये फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स थे, तो फिर मैं वापसी पर बच्चों के लिए फ्रूट्स भी लेती आई और मैंने आके उनको जो है वो धोकर फ्रूट्स भी दे दिए ताकि वो खाते रहें। और दिन कहाँ अभी ख़त्म होना था, अभी तो दिन का खाना हुआ था और रात का खाना अभी करना था। और ये जो बास्केट है ये मैंने ली थी मार्शल से कुछ दिनों पहले, मुझे अचानक से मिल गई थी, तो देखिए कितनी अच्छी है और मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जी थी रात के खाने की तैयारी और मुझे जो था वो आलू के चावल बनाने का मन था, तो मैंने अपने लिए बना लिए थे आलू के चावल। बनाए तो सबके लिए ही थे लेकिन फिर याद आया कि जी आदम तो चावल खा ही नहीं रहे, तो फिर मुझे बनाने पड़ गए सीख कबाब। ये वैसे सीख कबाब तो नहीं है क्योंकि सीखें मेरे पास नहीं थी, बट मैंने जो बच्चों की पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं उसमें मैंने ये कबाब तैयार कर लिए ताकि आदम जो हैं वो सैलड के साथ ये खा सकें और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैंने शौक़ से ज़्यादा ही बना ली थी ताकि फिर सभी लोग खा सकें। तो यहाँ पर हो गया था डिनर रेडी। So guys, this is not a view barber, it's just my brother. So why are you talking to guys, huh? So guys, this is just my brother. Tell the story, Suno. Stop it, story, Suno.